हेलो वीवर्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी कुशल मंगल होंगे, हैप्पी होंगे. हैप्पी संडे टू ऑल दोज आर वर्किंग. सो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए प्लांट के बारे में जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट. स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है. बीच में से ये ग्रीन कलर का होता है और साइड में से ये वाइट होता है. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है. अगर आप इसकी प्रोपगेशन की बात करो, इसमें नीचे पब्स होते हैं, नीचे इसके पब्स होते हैं. यहाँ सॉइल में आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे से पब्स होते हैं जो बहुत इजीली ग्रो किए जा सकते हैं. आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में कम से कम भी तीन जो हैं अब नए नए पौधे तैयार हो रहे हैं. जैसे एक ये है, एक इधर है और एक ये पीछे की साइड है. और इसका सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि ये इजी टू ग्रो है. और देखिए इसमें से अब इसकी नई ब्रांचेस आ रही हैं. ये इसकी नई ब्रांच है जो अपने आप ही इसमें से आ रही है. यहाँ पे एक और ब्रांच आई थी अभी, मैंने उसको कट किया और आप देख सकते हो कि मैंने उसे एक नए दूसरे प्लांट में, एक नए पोट में मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया. ये देखिए अब ये भी एक नया पौधा बन जाएगा. आप देख सकते हो कि इस पौधे में मैंने क्या कर रखा है कि बहुत सारे शेल्स डाल रखे हैं, एग शेल्स. ये एग शेल्स बहुत अच्छे होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. आप कभी भी अगर आप घर में अंडे खाते हैं तो आप इन शेल्स को अपने पोट सोयल में आप डाल सकते हो. और इसी के साथ अगर आप इसको और भी हेल्दी रखना चाहते हो तो आप चाहो तो नाइट्रोजन के लिए इसमें अपने जो वेस्ट आपके हेयर होते हैं आपके कॉम करने के बाद, तो उनको भी आप सोयल में इजीली आप इसे रख सकते हो. इससे भी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है और ये बहुत हेल्पफुल है प्लांट को, इसे ग्रोथ करने में भी और इसको हेल्दी रखने में भी. इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसको प्रोपगेशन में यूज़ कर सकते हो. इजी है, इसे थोड़ी सी सनलाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इसको ज़्यादा नहीं चाहिए. शेडी एरिया में अगर आप इसको रखोगे तो इसकी ग्रोथ बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा. और ये एक ऐसा प्लांट है जो जिसमें से अपने आप ही प्लांट बनते रहेंगे, यहाँ से नए नए जो हैं प्लांट निकलते रहेंगे. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से अब तीन नए रूट्स आ सकते हैं यहाँ से. चलिए हैप्पी संडे.